पांच ऐसे हस्त मैथुन से जुड़े हुए भ्रम जो कि एग्जैक्टली सच हैं या नहीं है, मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। बहुत ऐसी क्वेरीज पूछी जाती हैं कि मैम मास्टरबेशन करने से बाल झड़ने लगते हैं, मास्टरबेशन करने से पिंपल्स हो जाते हैं, मास्टरबेशन करने से आंखों की रोशनी चली जाती है। बहुत बहुत ऐसे डाउट्स हैं जो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं हस्त मैथुन को लेकर। आज वो सारे मिलकर तोड़ने वाली हूँ, बताती हूँ किस में कितनी सच्चाई है और है तो उस पर कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो में मैं सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। इस वीडियो में मैं हस्त मैथुन और मास्टरबेशन जैसे मिथ्स को डीबंक करने वाली हूँ जो आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बने रहें, जुड़े रहें, इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दे, अंत तक देखे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। तो चलिए बात करी थी सेक्स से जुड़े ऐसे पांच बड़े मिथ्स के बारे में जो इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है। मिथ नंबर 1 कि मास्टरबेशन करने से आपके जो पेनिस का साइज है वो कम हो जाता है। ना ना ना, अबिग्नू, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ऐसे तो फीमेल जो मास्टरबेट कर रही हैं या फिंगरिंग कर रही हैं उसके तो वजाइना बंद हो जाना चाहिए और उसका तो होली खत्म हो जाना चाहिए और तो क्लाइटोरिस खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर आप मास्टरबेट करते वक्त मेल्स में बहुत ज़्यादा टाइटली उसे होल्ड कर रहे हैं या फिर आपके जो अंडरवियर्स हैं वो ठीक नहीं है तो हो सकता है कि वो पर्टिकुलर पोजिशन में आपको दिखने लगे। ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है और ये सिर्फ एक मिथ है। दूसरा बड़ा जो मिथ है कि उससे बाल झड़ने लगते हैं, ऐसा नहीं है। नो नो नो, अगेन नो नो फॉर इट। मास्टरबेशन ज्यादा करने से बाल नहीं झड़ने लगते हैं क्योंकि बालों का उससे रिलेशन नहीं है। लेकिन हाँ, एक रिलेशन जरूर है कि अगर आप बहुत ज्यादा मास्टरबेट कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो दिमाग है वो ज्यादा सेक्स के बारे में सोचेगा, परेशान होने लगेंगे, आप कुंठित होएंगे, आप नहीं कर पाएंगे तो आप ऐसे मौके ढूंढेंगे कि आप कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है, स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस के कारण आपकी बॉडी बहुत तरह के चेंजेस एक्सपीरियंस करती है जिसमें से आपका हेयर लॉस होना कहीं ना कहीं एविडेंट हो जाता है। अगर आप मास्टरबेशन करने से खुश हैं, आप इसे एंजॉय कर रहे हैं तो फिर तो बाल डेफिनेटली नहीं झड़ते हैं। अब ऐसे तो बहुत सारी मेल्स करते हैं तो मतलब सबके ही बाल झड़ने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर वो आपकी बॉडी का सबसे वीक पार्ट है और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या गिल्ट महसूस कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है। तीसरा बड़ा मिथ है कि मास्टरबेशन ज्यादा करने से पिंपल्स हो जाते हैं। पिंपल्स हो जाते होंगे लेकिन मास्टरबेशन करने से हो जाते हैं? नो नो नो। इसके पीछे का रीजन क्या है कि जब आप मास्टरबेशन करते हैं तो आपके हाथ इन्वॉल्व होते हैं, आपके जेनिटल इन्वॉल्व होते हैं, आपके कुछ कपड़े भी इन्वॉल्व होते हैं, आपकी बेडशीट भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो अगर आप मास्टरबेशन करते ही सो जाएंगे और आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, हाथ नहीं धोएंगे, नेल्स नहीं काटेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्शन के कारण आपको पिंपल्स होने लगते हैं। वो मुंह पे, हाथों पे, कहीं भी नीचे जेनिटल एरियाज में हो सकते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है क्लीनलीनेस, नॉट योर स्पर्म फ्लो और नॉट मास्टरबेशन। तो अगर आप इस साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो आपको डेफिनेटली पिंपल्स नहीं होंगे। कैसी साफ सफाई करनी है, इसके लिए मैं वीडियो बनाई थी बिफोर एंड आफ्टर सेक्स सेक्स हाइजीन, आप उसे देख सकते हैं। चौथा सबसे बड़ा मिथ है कि अगर हम मास्टरबेशन ज़्यादा करते हैं तो क्या होगा कि आपकी ना आंखें चली जाएंगी, आप धुंधले हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा पॉर्न देख रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन देखते हैं या फिर आप सेक्स करते दौरान अपनी आँखों को जोर दे रहे हैं, क्योंकि मास्टरबेशन एक ऐसा लेसन प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी बॉडी की एनर्जी डेफिनेटली यूज़ होती है। एनर्जी तो सिलेंडर उठाने में भी यूज़ होती है और एनर्जी तो हर चीज़ में यूज़ होती है। तो जब मास्टरबेट करें तो ऑब्वियसली एनर्जी जा रही है। कुछ समय अगर आप एग्जैक्टली फ़ोन स्क्रीन में घुसे हुए हैं और बहुत ज़्यादा अपनी फैंटेसाइजिंग वर्ल्ड में है, पॉर्न देख रहे हैं और साथ साथ मास्टरबेट कर रहे हैं तो आपकी आंखों पे डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन बेचारे मास्टरबेशन की इसमें कोई गलती नहीं है कि उसकी वजह से आप अंधे हो रहे हो। अंधे एग्जैक्टली आप स्क्रीन से ही हो रहे हो, इसलिए अगर आप रिलेट कर रहे हो तो दैट इज नो नो नो। तो आप क्या कर सकते हो, पॉर्न देख लो, चश्मा पहनो, सब कुछ करो और फिर मास्टरबेट करो। मतलब देयर इज नो डायरेक्ट लिंक ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स। ओके,
पांचवा सबसे बड़ा मिथ जो भाई मेरे को तो बहुत इंपॉर्टेंट है डीबंक करना, कि भाई मास्टरबेशन ज्यादा करने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये है कि आप उसको कितना टाइट पकड़ के कर रहे हैं, किस पोजिशन में कर रहे हैं। जैसे प्रोन मास्टरबेशन इज नॉट एट ऑल सजेस्टेड, जो कि सबसे बड़ा रीजन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने का। तो प्रोन मास्टरबेशन क्या होती है, आप मेरी ये वाली वीडियो देखिए, मैंने डिटेल में सारी चीजें बताई और मना भी किया है कि प्रोन मास्टरबेशन प्रैक्टिस ना करें। अगर आप इस तरीके से कुछ डिफरेंट डिफरेंट पिलो पे रगड़ के, बेड पे रगड़ के और बहुत ही डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, तो फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। एक्सेसिव दिन में 15-15 बार करना, 20-20 बार करना तो डेफिनेटली आपको इंपैक्ट करेगा। लेकिन अगर आप माइनर सा कर रहे हैं और हैप्पीली कर रहे हैं तो उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होता। और अगर आपको लगता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। हर इंसान को अपनी लाइफ में एक ना एक बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसा फील होने लग जाता है कि अरे मैं तो पहले बहुत अच्छा था, अब नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं है कि परमानेंट रहता है, अगर आप टाइमली इंटरवेंशन देंगे तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन छू मंतर वाली चीज़ है, ये कोई परमानेंटली नहीं बनी रहती है। सिर्फ आपकी मेहनत करने का टाइम होता है, जो बॉडी में हर जगह कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है तो आप मेहनत कर ही लेते हैं ना, लिवर भी फैटी हो जाता है तो आप मेहनत कर लेते हैं, तो वो सिग्नल देता है और आप उसे ओवरकम कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, ओ अब तो सारी जिंदगी होता रहेगा, ऐसा नहीं है। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके मास्टरबेशन से रिलेटेड 5 करारे मिथ्स को तोड़ पाई है। प्लीज इसे फॉलो करें, और XYZ चैनल जो कि सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड है, प्लीज उसे मत फॉलो करें। किसी की भी फैमिली डायरी की कोई भी चैनल्स आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, जबकि वो सेक्स से रिलेटेड उन्होंने स्टडीज नहीं की हैं, उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। प्लीज़ एक एक्सपर्ट सेक्सोलॉजिस्ट के ही चैनल्स को देखें, उन्हें ही फॉलो करें प्लीज़। और अगर आपको मज़ा आता है आप डेफिनेटली देखिए, लेकिन अगर आप सही ज्ञान या सही ट्रीटमेंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू गो फॉर द राइट चैनल ऑफ इन्फॉर्मेशन। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बने रहें, जुड़े रहें, बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आपके साथ मैं हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए डॉक्टर नेहा मेहता, और अगर पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक डॉक्टर नेहा ऑफिशियल।